नमस्कार पढ़ंतुओं, कैसे हैं आप सभी। मैं जी के साहू एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं YouTube चैनल में, जिसका नाम है द पढ़ंतु क्लासेस। हम लोग छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के भूगोल में नदी अपवाह तंत्र पढ़ रहे हैं, और पिछली जो लेक्चर रही है मेरी, उसमें हम लोगों ने महानदी अपवाह तंत्र के बारे में विस्तार से चर्चा की थी। और अब जो अन्य चार जो जल अपवाह तंत्र हैं, गोदावरी नदी अपवाह तंत्र, नर्मदा नदी अपवाह तंत्र, सोनगंगा अपवाह तंत्र और ब्राह्मणी अपवाह तंत्र, उसके बारे में आज के लेक्चर में देखेंगे। ओके, सो आई होप कि इसके पहले आप लोगों ने जो है मेरा लेक्चर सुना होगा और नोट्स भी आप लोगों ने बना लिया होगा, सारे पॉइंट्स आप लोगों ने तैयार किए होंगे। कुछ कमेंट्स मेरे पास आते रहते हैं जिसका उत्तर मैं देने का प्रयास करता हूं आप सभी को। आई होप कि आप सभी उससे संतुष्ट होंगे। फिर भी कुछ डाउट रहता है तो और कमेंट करिए, ताकि हम अपने लेक्चर को आप सभी के लिए और बेहतर बना सकें। ओके, देखिए गोदावरी नदी अपवाह तंत्र देखते हैं। देखें, सबसे पहली बात, ये जो गोदावरी नदी अपवाह तंत्र का जो विस्तार है छत्तीसगढ़ राज्य में, वो आपको छत्तीसगढ़ के दक्षिणी क्षेत्र में मिलेगा। क्लियर है? और दक्षिणी क्षेत्र का मतलब यहां पर आपका बस्तर संभाग। क्लियर है? ओके, नाउ ये जो गोदावरी नदी अपवाह तंत्र है, इसकी जो ढाल है, इसकी जो स्लोप है, वो दक्षिण की ओर है। ओके, तो आसानी से याद कर सकते हैं, बहुत आसान है ये। क्लियर है? ओके, आपका क्योंकि दक्षिणी क्षेत्र में स्थित है तो दक्षिण की ओर इसकी ढाल है, ऐसा भी आप याद रखें। ओके, और इसकी जो कुल जल ग्रहण क्षेत्र है, ओके, या कहें कि छत्तीसगढ़ के कितने हिस्से में इसका विस्तार है, तो लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बताया था, आपने पढ़ा होगा लेक्चर नंबर 5 में, तो 39,497,000 वर्ग किलोमीटर। क्लियर है? परसेंटेज वाइज बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 28.64% जो है इसका जल ग्रहण क्षेत्र है। क्लियर है? इतने छत्तीसगढ़ के कुल क्षेत्रफल में से 28.64% एरिया पे ये आपका गोदावरी नदी अपवाह तंत्र का विस्तार आपको मिलेगा। ओके, नाउ इसके हिसाब से ये आपका छत्तीसगढ़ का दूसरा बड़ा अपवाह तंत्र है। क्लियर है? छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र कौन सा? महानदी अपवाह तंत्र है। क्लियर है? वो लगभग आधे से भी अधिक हिस्से में फैला हुआ है, ठीक है, 56.15%। और वहीं दूसरा बड़ा अपवाह आपका कौन सा हो गया? गोदावरी अपवाह, जो कि छत्तीसगढ़ के 28.64% क्षेत्रफल पे विस्तृत है। क्लियर है यहां तक? ओके, ठीक। ये जो आप रेड कलर में देख रहे हो, ठीक है, ये आपकी क्या है? गोदावरी नदी है, जो कि इस गोदावरी नदी अपवाह तंत्र का क्या हो जाएगा? सबसे मुख्य नदी। क्लियर है? तो ये जो गोदावरी नदी है, ये महाराष्ट्र के, ठीक है, कहां के? महाराष्ट्र के नासिक त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से निकलती है। क्लियर है? गोदावरी नदी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र नासिक त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी, वहां से निकलने के बाद ये पूर्व दिशा की ओर बह रही है, ठीक है, या दक्षिण पूर्व भी कह सकते हो। ऐसे बहते हुए ये छत्तीसगढ़ के इस बस्तर क्षेत्र के, बस्तर संभाग के बीजापुर को टच करेगी। क्लियर है? किसको? बीजापुर को। अब ये बीजापुर में छत्तीसगढ़ और इधर आपका महाराष्ट्र की सीमा रेखा बनाते हुए फिर आगे जाएगी कहां? तेलंगाना। कहां जाएगी? तेलंगाना। अब ये तेलंगाना से आगे बढ़ते हुए फिर चल जाती है कहां? आंध्र प्रदेश। क्लियर है? ठीक है, ये आपका तेलंगाना, उसके बाद फिर ये आंध्र प्रदेश, और फिर ये आपका आगे जाकर के बंगाल की खाड़ी में विसर्जित हो जाती है। क्लियर है? बंगाल की खाड़ी, द बे ऑफ बंगाल, दिस इज द ड्रेनेज पॉइंट ऑफ दिस गोदावरी रिवर। क्लियर है? अब देखो,
आपका जो गोदावरी नदी है, ये गोदावरी नदी उद्गम से लेकर के विसर्जन पॉइंट तक, ड्रेन पॉइंट तक टोटल 1465 किलोमीटर है। क्लियर, कितनी? 1465 किलोमीटर है। ठीक है, दक्षिण भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी है ये। क्लियर है, इसको दक्षिण की गंगा भी बोलते हैं, गोदावरी नदी को। क्लियर है। अब कुल लंबाई उद्गम से विसर्जन तक 1465 किलोमीटर, लेकिन छत्तीसगढ़ में ये मात्र 24 किलोमीटर बहती है। कितनी? 24 किलोमीटर। क्लियर है, छत्तीसगढ़ में इसकी जो प्रवाहित होने वाली जो लंबाई है वो केवल 24 किलोमीटर लंबाई क्षेत्र में ही क्या होती है, ये प्रवाहित होती है छत्तीसगढ़ के ये बीजापुर में। यहां पर आप जो देख रहे हो, ये आपका टोटल जो लेंथ है ये आपका 24 किलोमीटर मान के चले। क्लियर, ठीक, ओके। अब देखो, इस गोदावरी नदी की मुख्य जो सहायक नदी है उसमें दो प्रमुख नाम आप देखिए। एक नाम है आपका इंद्रावती नदी, जो ये रही ग्रीन कलर में, इस पूरे बस्तर संभाग के बिल्कुल बीचों बीच आपको दिख रहा है। और एक आप देख रहे हैं यहां दक्षिणी, यहां पे सीमा बनाते हुए उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच में, ये है आपका क्या, सबरी नदी। क्लियर है, तो इंद्रावती नदी और सबरी नदी ये दो मुख्य सहायक नदी हो गई। क्लियर, किसकी? गोदावरी नदी की। क्लियर है, अब देखो बात करते हैं इंद्रावती नदी की। तो देखें, इस तरफ यहां ये जो आप क्षेत्र देख रहे हो ये क्या, उड़ीसा, क्या है, उड़ीसा। क्लियर, छत्तीसगढ़ के पूर्वी हिस्से में ये उड़ीसा राज्य लगा हुआ है। ठीक है, तो उड़ीसा में ये जो आप देख रहे हैं ये है आपका कालाहांडी जिला। कौन सा जिला? कालाहांडी। ओके, इस कालाहांडी जिले में ये आपका मुंगेर पहाड़ी या मुंगेर पर्वत, इस मुंगेर पहाड़ी से निकलेगी आपकी क्या, इंद्रावती नदी। ओके, तो ध्यान रखें कि इंद्रावती नदी का उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ में नहीं है, कहां है, उड़ीसा में। क्लियर, उड़ीसा कालाहांडी जिला मुंगेर की पहाड़ी, वहां से निकल करके ये ऑलमोस्ट जो है आपका पश्चिम दिशा की ओर बहती हुई छत्तीसगढ़ में इंटर करती है। कहां से? छत्तीसगढ़ के इस बस्तर जिले से अंदर आएगी। क्लियर, और फिर प्रवाह क्षेत्र देखिए, बस्तर, दंतेवाड़ा और ये बीजापुर। क्लियर है, ठीक है ना, बस्तर, दंतेवाड़ा और ये बीजापुर, ये तीन जिलों से प्रवाहित होते हुए फिर ये आकर के ये गोदावरी नदी में मिलती है बीजापुर में। ओके, ठीक, और विस्तार से यदि देखें तो आप देखिए क्या, इंद्रावती नदी ये आपका देखो यहां पर आपका पड़ेगा क्या, बकावंड, क्या पड़ेगा, बकावंड तहसील। ठीक है, बकावंड तहसील से आगे बढ़ोगे तो ये आपका आ जाएगा क्या, जगदलपुर, क्या आ जाएगा, जगदलपुर। जगदलपुर से आगे गए तो ये आपका आ जाएगा क्या, यहाँ पे लोहांडीगुड़ा, क्या आएगा, लोहांडीगुड़ा। वहां से आगे गए तो ये आप जो देख रहे हो दंतेवाड़ा में, दंतेवाड़ा में इसी के किनारे यहां पर स्थित है क्या, ये आपका बारसूर स्थित है, क्या स्थित है, बारसूर। ओके, ठीक है, और फिर आगे जाओगे तो इधर बीजापुर में, ठीक है, बीजापुर वाले में हिस्से में आगे आओगे तो इधर इधर आपका यहाँ पे बीजापुर पड़ेगा। ठीक है, है ना, उसके फिर आगे जाएंगे तो यहां पर ये इंद्रावती नेशनल पार्क पड़ेगा आपका, इंद्रावती नेशनल पार्क, है ना, और उसके बाद फिर ये आपका यहाँ पे भोपालपट्टनम पड़ेगा, क्या पड़ेगा, भोपालपट्टनम। ठीक, और फिर नीचे ये भद्रकाली के पास, कहां पर, भद्रकाली के पास ये इंद्रावती नदी गोदावरी नदी में मिल जाती है। क्लियर है, ओके, और फिर से देखें, बकावंड, जगदलपुर, लोहांडीगुड़ा, बारसूर, ठीक है, दंतेवाड़ा में बारसूर, उसके बाद फिर ये बीजापुर, बीजापुर से फिर ये इंद्रावती नेशनल पार्क में बहते हुए फिर भोपालपट्टनम के, भोपालपट्टनम जो है वो इसी नदी के किनारे स्थित है, शहर है। ठीक है, भोपालपट्टनम से आगे फिर भद्रकाली के पास
ये आपका गोदावरी नदी में विसर्जित हो जाती है या मिल जाती है। क्लियर है? तो यहां से लेकर के यहां मिलने तक इस इंद्रावती नदी की जो कुल लंबाई है, वो इंद्रावती की कुल लंबाई है 264, कितनी है 264 किलोमीटर। याद रहेगी बात, इंद्रावती नदी की कुल लंबाई। क्लियर है इतना? ठीक, ओके। अब इस इंद्रावती नदी की सहायक नदियों के बारे में बात करेंगे, लेकिन उसके पहले जो इस गोदावरी नदी की एक और दूसरी सहायक नदी है, कौन सी? सबरी नदी, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो देखो सबरी नदी ये भी उड़ीसा में, यहां पर इसका उद्गम स्थल है। ठीक, और ये आपका कौन सा है? तो याद रखिएगा, ये आपका क्या, कोरापुट। क्या है? कोरापुट तहसील या कोरापुट क्षेत्र उड़ीसा। ओके, वहां से ये सबरी नदी का उद्गम होगा, समझे कि नहीं? ठीक है, ये देखो ऊपर ये क्या है, ऊपर जो है आपका कालाहांडी, ठीक, और नीचे ये आपका क्या है, कोरापुट। ठीक है, ऊपर कालाहांडी, नीचे कोरापुट, कालाहांडी से इंद्रावती नदी और कोरापुट से आपका सबरी नदी। ये सबरी नदी भी यहां से निकल करके बिल्कुल छत्तीसगढ़ की तरफ आएगी, छत्तीसगढ़ में बस्तर में कुछ लेंथ तक बहेगी, उसके बाद बिल्कुल ये आपका सुकमा यानी कि छत्तीसगढ़ और इधर आपका उड़ीसा, इन दोनों के बीच ये बिल्कुल सीमा रेखा बनाते हुए बहती हुई, ये बिल्कुल दक्षिण की दिशा में बहती हुई ये जा करके आंध्र प्रदेश में, कहां? आंध्र प्रदेश में ये मिल जाएगी गोदावरी नदी में। क्लियर है बात? ठीक, गोदावरी नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो उद्गम से लेकर के यहां तक इस सबरी नदी की जो लंबाई है, ठीक है, ये आपका सबरी नदी है, इसकी लंबाई है 173 किलोमीटर, 173 किलोमीटर। क्लियर है इतना? ठीक है, 264 किलोमीटर की इसकी लंबाई इंद्रावती की, गोदावरी नदी की कुल लंबाई 1465 किलोमीटर, छत्तीसगढ़ में कितना बहती है 24 किलोमीटर। क्लियर है इतना बात? ठीक, उसके बाद देखो ये जो सबरी नदी है, ठीक, इसी सबरी नदी में छत्तीसगढ़ का एकमात्र जल मार्ग है। ठीक है, ये सुकमा है, इस सुकमा के इस कोंटा से लेकर के आंध्र प्रदेश में, ठीक है, आंध्र प्रदेश में एक पॉइंट है, वहां तक टोटल 36 किलोमीटर, ठीक, 36 किलोमीटर का जल मार्ग आपको मिलेगा। ठीक है, एकमात्र जल मार्ग छत्तीसगढ़ का। क्लियर है? किस नदी पर है पूछेगा तो सबरी नदी लेना है, समझ गए बात को? ठीक, ओके, चलिए फिर सहायक नदियों के बारे में और बात करेंगे। ठीक है, उसके पहले अब देखिए मुख्य जो आपका इंद्रावती नदी है, इसके सहायक नदियों के बारे में बात करते हैं कि उत्तर की ओर से मिलने वाली सहायक नदी कौन सी है, दक्षिण की ओर से मिलने वाली सहायक नदियों में क्या क्या नाम आता है। इंद्रावती नदी, इसकी जो सहायक नदी है उसमें सबसे पहले देखो उत्तर की ओर से कौन कौन सी नदी मिल रही है। ठीक है, ये देखिए ये इंद्रावती नदी है, ठीक है, उड़ीसा से निकल करके इधर आपकी बहती हुई गोदावरी में मिल जा रही है ना। अब देखिए उत्तर की ओर से मिलने वाली नदियों में लाइन से देखो, ये आपका आ रहा है क्या, ये है कोटरी नदी। कौन सी नदी? कोटरी नदी। कोटरी नदी जो है ये राजनांदगांव से आ रही है, ठीक, ये राजनांदगांव वाले एरिया से आ रही है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट दो नाम जो कि नारायणपुर से आ रहे हैं, एक है आपका क्या, निबरा, ठीक, दूसरा है गुडरा। ठीक है, निबरा नदी और गुडरा नदी, ये दोनों आपके कहां से आ रहे हैं? ये दोनों आपके आ रहे हैं नारायणपुर से। कहां से? नारायणपुर से। ठीक, आगे का दो उसमें देखो आपका, एक आपका है बोर्डिंग नदी। कौन सी नदी? बोर्डिंग। और दूसरा है आपका नारंगी नदी। कौन सी नदी? नारंगी। ठीक, ये दोनों आपके आ रहे हैं कहां से? ये दोनों आपका कोंडागांव। क्लियर है? ठीक, कोटरी, ये आपका निबरा, गुडरा, बोर्डिंग, नारंगी, ये दोनों कोंडागांव से आ रहा है, ये दोनों नारायणपुर क्षेत्र से, और ये कहां से आ रहा है? तो ये राजनांदगांव से। क्लियर है बात? ठीक, दक्षिण की ओर से मिलने वाली सहायक नदी कौन कौन सी है? दक्षिण की ओर से देखिए ये जो दो नदियां दिख रहा है ना, इसमें आपका एक तो ताल पेरू, ठीक है, ताल पेरू, ये आपका चिंतावागु, ठीक है, ताल पेरू, चिंतावागु, फिर ये जो दो नदियां दिख रही है दंतेवाड़ा में,
ये एक आपका डंकिनी और एक आपका शंखिनी नदी। ठीक, इतनी सहायक नदी याद रखिएगा। ये आपका उत्तर की ओर से मिलने वाली नदी, ये आपका दक्षिण की ओर से मिलने वाली नदी, किस में? इस इंद्रावती नदी में। क्लियर है? ओके, अच्छा, इस इंद्रावती नदी का जो प्राचीन नाम है, ठीक है, इंद्रावती नदी का प्राचीन नाम वो है मंदाकिनी, याद रखिएगा। ठीक, मंदाकिनी नदी, सबरी नदी, सबरी नदी को कोलाब नदी भी बोलते हैं। ठीक, कोलाब नदी है ना। और इधर ये देख रहे हो जो कोटरी नदी, ठीक है, ये कोटरी नदी को परलकोट नदी भी बोलते हैं। ठीक है, ये इसका प्राचीन नाम समझ लीजिए, तीन नाम याद रखिएगा। क्लियर है? ओके, गोदावरी नदी की दो सहायक नदियां इंद्रावती और सबरी नदी, और जो कोटरी नदी है वो इस इंद्रावती की सहायक नदी है। ठीक है, जो कि 135 किलोमीटर है, 135 किलोमीटर। ठीक है, तो ये देखिए, ये आपका कोटरी नदी। ठीक, नेक्स्ट ये आपका दो नदियां यहां पे हम लोग देख रहे हैं। ठीक, कौन कौन सी नदी है देख लो, ये है निबरा नदी, ये है गुडरा नदी, ये है बोर्डिंग, और ये जो आप देख रहे हो ये है आपका क्या, नारंगी नदी। क्लियर? ठीक, इसमें देखो ये है तालपेरू और ये है चिंतावागु। ठीक है, ये नदी जो देख रहे हैं ये है एक आपका डंकिनी, और ये जो आप एक देख रहे हो ये है आपका शंखिनी। ठीक है, डंकिनी और शंखिनी नदी, दोनों आपका दंतेवाड़ा, ये आपका बीजापुर, ये कहां से आ रहा है, नारायणपुर, सॉरी राजनांदगांव से आ रहा है। तो देखो आप कहां कहां से इसका उद्गम स्थल है, उसको भी देखते चलिए। ठीक है, कोटरी नदी जो कि इंद्रावती नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, इसकी लंबाई है कितनी, 135 किलोमीटर। ओके, तो देखें ये कोटरी नदी राजनांदगांव के मोहेला तहसील से आ रही है। कहां से आ रही है, मोहेला तहसील से आ रही है, नारायणपुर, सॉरी आपका कांकेर, कांकेर से फिर आपका थोड़ा सा नारायणपुर में जाएगी, और फिर ये महाराष्ट्र में बहते हुए यानी छत्तीसगढ़ से बाहर बहते हुए फिर छत्तीसगढ़ के अंदर जाएगी। ठीक है, और ये आपका बीजापुर क्षेत्र में इसमें जाके मिल जाएगी, किसमें, इंद्रावती में। क्लियर हुआ? ये आपका कोटरी जिसका प्राचीन नाम परलकोट। नारायणपुर में आओ तो अबुझमाड़ क्षेत्र में ये आपको दिख रहा है क्या, निबरा नदी। कौन सी नदी, निबरा। ठीक, ये आपका जो निबरा नदी है ये खुरसेल घाटी, कौन सी घाटी, खुरसेल घाटी, नारायणपुर अबुझमाड़ क्षेत्र, वहां से इसका उद्गम है निबरा का, और ये नारायणपुर से होते हुए फिर आएगी कहां, बीजापुर, और बीजापुर में जाकर के मिल जाएगी किसमें, इंद्रावती नदी में। क्लियर? नेक्स्ट गुडरा, गुडरा नदी भी जो है ये आपका कहां से आ रही है, तो ये आपका कहां से आ रही है, नारायणपुर के छोटे डोंगर क्षेत्र से, कहां से, छोटे डोंगर क्षेत्र से आ रही है। ठीक है, ये आपका गुडरा नदी, ये भी नारायणपुर में बहते हुए फिर बीजापुर में जाकर के इसमें मिल जाएगी इंद्रावती नदी में। नेक्स्ट आओ कोंडा गांव में, दो नदियां दिख रही है, एक आपका बोर्डिंग नदी, एक आपका नारंगी नदी। बोर्डिंग नदी जो है ये आपका केशकाल घाटी, कहां से, केशकाल घाटी से आ रही है। ठीक है, और ये जो नारंगी नदी है आपका, ये आपका कहां से आ रहा है, माकड़ी से, कहां से आ रहा है, माकड़ी क्षेत्र से आ रहा है। ठीक, और ये बोर्डिंग आपका केशकाल घाटी से। क्लियर है? तो ये इसका उद्गम स्थल हो गया ऊपर, समझ गए। अब इधर आओ नीचे, इसमें आप देखो चिंतावागु, तालपेरू, ठीक है, ये आपका इधर ये बीजापुर क्षेत्र से इधर आ रही है, इसमें जाकर के मिल गई किसमें, दक्षिण की ओर से जाकर के मिल गई इंद्रावती नदी में। ठीक, डंकिनी और शंखिनी में देखो, तो डंकिनी जो है डोंगरी डांगरी की पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, डोंगरी डांगरी की पहाड़ी। क्लियर, शंखिनी नदी की बात करेंगे तो शंखिनी नदी जो है ये आपका
बैलाडीला में जो नंदीराज चोटी है, ठीक, नंदीराज चोटी बैलाडीला की पहाड़ी, वो बैलाडीला की पहाड़ी से निकल रही संखिनी नदी। ठीक, अभी ये जो डंकिनी और संखिनी का संगम देख रहे हो, इसी संगम पर स्थित है क्या आपका दंतेवाड़ा शहर। क्लियर है? ठीक, दंतेवाड़ा शहर यही संखिनी और डंकिनी के संगम पर स्थित है। क्लियर, ये पॉइंट याद रखिएगा। ओके, अब आगे बढ़ो। तो इतनी जो नदियां आप देख रहे हो, ये आपके किसकी सहायक नदियां हो गई? इंद्रावती नदी की। क्लियर है? अब ये देखो सबरी नदी, सबरी नदी की सहायक नदी में दो नाम याद रखना। एक तो सीधा ये जो आपको जाके ये मिल रही है, ठीक, ये आपका कौन सा नदी है? ये कांगेर नदी है। कौन सी नदी? कांगेर नदी। ठीक है, और इस कांगेर नदी में जो जाके मिल रही है, ये है आपका क्या? मुनगा बहार नदी। क्लियर है बात? ओके, ठीक है, याद रहेगा। देखें, कांगेर नदी किसकी सहायक नदी है? सबरी नदी की सहायक नदी है। मुनगा बहार ये कांगेर नदी में जाके मिलती है। ठीक, कांगेर नदी मुनगा बहार का पानी लेके जाती है और सबरी नदी में जाके मिल जाती है। क्लियर है इतना? ओके, अब देखो कुछ अन्य बातें देखिए। नदियों के बारे में तो बात हो गई, उद्गम के बारे में बात हो गई, किस तरीके से जाके मिल रही है वो बात हो गई। ठीक है, अब देखो कुछ जलप्रपात वगैरह देखो। ठीक है, तो ये जो कांगेर नदी आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपका ये कांगेर जलप्रपात पड़ेगा, कांगेर नदी जलप्रपात। ठीक, यहीं पर आपका कांगेर नेशनल पार्क है। ठीक, कांगेर वैली नेशनल पार्क, कांगेर घाटी नेशनल पार्क है ना। फिर कांगेर नदी की जो सहायक नदी है मुनगा बहार, ये मुनगा बहार में आपको मिलेगा क्या? तीरथगढ़ जलप्रपात। क्या मिलेगा? तीरथगढ़ जलप्रपात। क्लियर है? कौन सी नदी में है? मुनगा बहार नदी में है। ठीक है, तीरथगढ़ जलप्रपात ये छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। क्लियर, सबसे ऊंचा जलप्रपात, जो कि इसकी हाइट है कितनी? 300 फीट की हाइट से ये जलप्रपात, ठीक है, क्लियर है, वहां से गिरती है। समझे कि नहीं? तो इसको याद रखना। ओके, इसके बाद देखो आपका ये बस्तर में ही अगर हम लोग देखें तो ये तीरथगढ़ जलप्रपात हो गया, यही कांगेर नेशनल पार्क, यहीं पर आपका कुटुम्बसर की गुफा, ठीक, ये सब यही इसी क्षेत्र में पड़ेगा। इंद्रावती नदी, इस इंद्रावती नदी में देखोगे तो इंद्रावती नदी में जगदलपुर से करीब 40 किलोमीटर दूर, जगदलपुर मुख्यालय है बस्तर क्षेत्र का, ठीक है, तो यहां से 40 किलोमीटर दूर पे इसी इंद्रावती नदी में आपको मिलेगा क्या? चित्रकूट जलप्रपात। क्या पड़ेगा? ठीक है, चित्रकूट जलप्रपात है ना। ये चित्रकूट जलप्रपात जिसकी चौड़ाई जो है ये लगभग 1000 फीट है और इसकी ऊंचाई जो है वो 90 फीट के करीब है। ठीक है, चौड़ाई 1000 फीट और ये घोड़े के नाल के आकार में है। किसके आकार में? घोड़े के नाल के आकार का है। क्लियर है? मतलब लाइक दिस, इस तरीके से, समझे कि नहीं? ठीक, और चूंकि ये 1000 फीट इसकी चौड़ाई है, ठीक, ये आपका भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है, याद रखिएगा। ठीक, और इसीलिए चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है। विश्व में सबसे चौड़ा कौन सा? नियाग्रा जलप्रपात। ठीक है, तो भारत में सबसे चौड़ा कौन सा? चित्रकूट जलप्रपात, इसलिए इसको तुलना करते हुए भारत का नियाग्रा फॉल कहा जाता है। क्लियर है इतनी बातें? ठीक, तो चित्रकूट आप याद रखना, कहां पर है बोले तो इंद्रावती नदी में है। ठीक, आगे जाओगे तो यहां पर आपका ये बोधघाट जलाशय पड़ेगा इसी में। ठीक है, क्या पड़ेगा? बोधघाट जलाशय, इसको याद रखेंगे। ओके, ठीक, इतनी बात याद रखिएगा। इसमें आओ सबरी नदी में, सबरी नदी में आओगे तो एक तो यहां पर आपका पड़ेगा क्या? रानी दरहा। क्या पड़ेगा? ठीक, रानी दरहा जलप्रपात। ठीक है, और दूसरा यहां पे आपका पड़ेगा ये गुप्तेश्वर जलप्रपात। ठीक है, रानी दरहा जलप्रपात और गुप्तेश्वर जलप्रपात दोनों किसमें? सबरी नदी में, सुकमा। बात समझ में आ गई? ठीक, इधर ये इंद्रावती नेशनल पार्क देख चुके हो, ठीक, यहां पर है ना।
यही बीजापुर में ही इसी इंद्रावती नदी में एक और जलप्रपात पड़ेगा जिसको हम लोग सप्तधारा जलप्रपात कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? सप्तधारा जलप्रपात। क्लियर है? जिस पर अलग धाराएं हैं, कपिल धारा, कृष्ण धारा, पांडव धारा, ठीक है, कृष्ण चित्र धारा, इस तरीके से। ओके, तो ये सप्तधारा जलप्रपात आपका यहाँ पे पड़ेगा। ओके, ठीक है। तो इतनी प्रमुख बातें जो है वो आप इस गोदावरी नदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत याद रखिएगा। क्लियर है बात? ओके, ठीक। चलो अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं सोनगंगा अपवाह तंत्र। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आपको आप फिर पेपर में बनाते हैं आपको बनेगा। क्लियर है बात इतना? ठीक है, अब बात करें सोनगंगा अपवाह तंत्र की। तो देखिए, पहली बात तो ये कि सोनगंगा अपवाह तंत्र, समझिए कि गंगा नदी जो है वो छत्तीसगढ़ राज्य से होकर के नहीं बहती। क्लियर है? ठीक, लेकिन उस गंगा नदी में मिलने वाली सोन नदी, ठीक, ये कुछ हिस्सा आपको यहाँ पे मिलेगा। क्लियर है? छत्तीसगढ़ के अंदर, लेकिन मुख्य रूप से सोन नदी भी इस छत्तीसगढ़ में नहीं बहती है, बल्कि सोन नदी में मिलने वाली जो नदियां हैं, सोन नदी की सहायक नदियां, वो चूंकि इस छत्तीसगढ़ के उत्तरी हिस्से में, या कहें कि इस बघेलखंड के पठार वाले, इस ये पूर्वी बघेलखंड के पठार वाले क्षेत्र से बहती हैं, इसलिए हम सोनगंगा नदी अपवाह तंत्र जो है वो यहाँ पे लेते हैं छत्तीसगढ़ के इस उत्तरी क्षेत्र में, जिसमें मुख्य रूप से सरगुजा संभाग का हिस्सा आता है। ये आपका कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा, बलरामपुर और जसपुर का इतना हिस्सा। क्लियर है? ठीक। अब देखो, इसमें जो मुख्य नदी हम लेंगे वो क्या लेंगे? सोन नदी। क्लियर है? तो सोन नदी, अच्छा एक चीज देखें, इस सोनगंगा नदी अपवाह तंत्र का जो ढाल है इसकी, ठीक, ये ढाल उत्तर की ओर है। किस तरफ है? उत्तर की ओर। क्लियर है? और चूंकि ढाल उत्तर की ओर है, इसलिए छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्र में जितनी भी नदियां हैं वो सब उत्तर की ओर बहती हैं। ठीक है, ऊपर की ओर बहती हुई आपको दिखेंगे। क्लियर है बात? यदि हम मैप में देखते हैं तो। ओके, अच्छा, कुल जल ग्रहण क्षेत्र जो है सोनगंगा नदी अपवाह तंत्र का, वो आपका कितना? वो है 18,789 वर्ग किलोमीटर। क्लियर है? ठीक। और परसेंटेज वाइज देखें तो छत्तीसगढ़ के 13.63% क्षेत्रफल पर आपको सोनगंगा नदी अपवाह तंत्र मिलता है। ओके, ठीक, छत्तीसगढ़ के तीसरे नंबर पर यह आपका अपवाह तंत्र आता है। सबसे बड़ा महानदी, दूसरा गोदावरी नदी अपवाह तंत्र और तीसरा सोनगंगा अपवाह तंत्र। क्लियर है? तो सोन नदी कैसे बह रही है देखते हैं जरा। तो देखिए, सोन नदी जो बहती है वो आपका इस तरीके से आपका बहेगी। ठीक, ये छत्तीसगढ़ के ऊपर से उत्तर प्रदेश से होते हुए ये इस तरफ, ठीक है, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से ये उत्तर प्रदेश होते हुए निकल चलेगी। क्लियर है बात? ओके, अब देखें, इस सोन नदी में इसकी जो सहायक नदियां हैं उसको देख ले। ये देखो, ये आपका ये उत्तर प्रदेश और इस तरफ ये मध्य प्रदेश। क्लियर है? तो देखिए, कोरिया, कोरिया से दो नदी लीजिए इसकी सहायक नदियों में, और वो क्या क्या है? एक ये आपका यहां से जा रहा है ये बनास नदी। कौन सी नदी? बनास नदी। ओके, दूसरा ये क्या आप याद रखिएगा, ये है आपका क्या? नेयूर नदी। कौन सी नदी? नेयूर नदी। ओके, और इसे बनास की एक सहायक नदी है, वो है आपका गोपद नदी। ये गोपद नदी। क्लियर? फिर आगे बढ़ते हैं तो देखो, ये आपका यहां पर छुरी मतिरिंगा उदयपुर की पहाड़ी। क्या है? छुरी मतिरिंगा उदयपुर की पहाड़ी। तो इस मतिरिंगा की पहाड़ी से, छुरी मतिरिंगा उदयपुर की पहाड़ी से, जो कि सरगुजा क्षेत्र मुख्य रूप से पड़ रहा है, यहां पर से रिहंद नदी निकलेगी। कौन सी नदी निकलेगी? रिहंद नदी। और ये नदी सरगुजा, सूरजपुर, फिर बलरामपुर होते हुए उत्तर प्रदेश जाएगी, और उत्तर प्रदेश में
मिल जाएगी सोन नदी में। क्लियर है? कहां से निकली है? छुरी मतिरिंगा उदयपुर की पहाड़ी से। ओके, सरगुजा उत्तर दिशा की ओर बह रही है, सोन नदी में जाके मिल गई। यहीं पर उत्तर प्रदेश में है ना, उत्तर प्रदेश में आपका मिर्जापुर जिला है, उस मिर्जापुर जिले में इसमें आपका एक जलाशय पड़ेगा जिसको कहते हैं गोविंद वल्लभ पंत जलाशय। ठीक है, गोविंद बांध या गोविंद वल्लभ पंत सागर के नाम से जानते हैं। ये उत्तर प्रदेश में है, रिहंद नदी, याद रखिएगा। ओके, देखिए इस रिहंद नदी को सरगुजा संभाग की जीवन रेखा कहा जाता है। ठीक है, द लाइफ लाइन ऑफ दिस सरगुजा डिविजन इज दिस रिहंद रिवर, याद रखेंगे। ओके, इस रिहंद नदी की सहायक नदियों में तीन नाम याद रखना, एक है सूर्या नदी, कौन सा नदी? सूर्या नदी। दूसरा है आपका मोरनी नदी, कौन सी नदी? मोरनी। और एक है आपका क्या? महान नदी। क्लियर है? रिहंद नदी की सहायक नदियों में सूर्या, मोरनी और महान नदी, इसको याद रखना। ठीक, अब आगे बढ़ो, आगे बढ़ेंगे तो जसपुर में, जसपुर में यहां पर है आपका क्या? बखोना चोटी। ओके, बखोना चोटी जो कि आपका पड़ेगा पंडरापाट। ठीक, बगीचा तहसील है ना, यहां से निकलेगी कौन सी नदी? कन्हार नदी। और ये कन्हार नदी इधर आपका जसपुर, जसपुर से फिर बलरामपुर, बलरामपुर से फिर ये आपका इधर उड़ीसा, सॉरी आपका झारखंड और इसका किसका, छत्तीसगढ़ का सीमा रेखा बनाते हुए फिर चली जाएगी ऊपर और ये आपका मिल जाएगी किसमें? सोन नदी में मिल जाएगी। ठीक है, तो ये एक तो ये है रिहंद नदी, ठीक, और ये है आपका क्या? ये है कन्हार नदी। क्लियर है ना? अच्छा, इसमें आप देखो रिहंद नदी, रिहंद नदी में आपका रक्सगंडा जलप्रपात, क्या पड़ेगा? रक्सगंडा जलप्रपात। कन्हार नदी में आपका है क्या? कोठली जलप्रपात। क्या है? कोठली जलप्रपात, है ना। और यही बलरामपुर में यदि आप देखोगे तो एक नदी और यहां पे आपको मिलेगा, चनान नदी। कौन सा नदी है ये? चनान नदी। और इस चनान नदी में आपको मिलेगा एक जलप्रपात जो कि है पवई जलप्रपात। क्लियर है? ठीक है, अच्छा, कन्हार नदी की जो लंबाई है वो है 115 किलोमीटर। कितनी है? 115 किलोमीटर, ठीक है ना, कन्हार नदी की लंबाई। और रिहंद नदी की जो लंबाई है ये है 145 किलोमीटर। क्लियर, तो इस सोन नदी की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है इस हिस्से में वो है आपकी रिहंद नदी। क्लियर, इतनी बातें। ठीक है, और इस तरफ देखते हैं आपका बनास नदी, ये जो है आपका, ये पूरा आपका यहाँ पे क्या है? कैमूर पर्वत श्रृंखला है, देवगढ़ की पहाड़ी है ना, ये आपका पड़ेगा भरतपुर तहसील। कौन सा तहसील? भरतपुर तहसील। ये आपका पड़ेगा सोनहत तहसील, ठीक है, कौन सा? गोपद नदी। गोपद नदी किसकी सहायक नदी है? बनास नदी की सहायक नदी है। क्लियर है? फिर बनास सोन नदी में मिलेगा, समझे कि नहीं? ठीक, और फिर नेयूर नदी, आपका नेयूर नदी जो है वो भी आपका किसमें आ रहा है? देवगढ़ की पहाड़ी से आ रहा है। क्लियर है बात? ठीक, अब देखो ये नेयूर नदी के बाद इधर क्या, ये यूपी चालू हो जाता है और इधर एमपी है कि नहीं, तो ये एमपी और समझ लीजिए कि ये छत्तीसगढ़ की भी सीमा रेखा बना रहा है, कौन? नेयूर नदी, समझे कि नहीं? इस दिशा में बात समझ आ गई? क्लियर है, इतना पॉइंट याद रखोगे। ओके, ये सोन नदी आगे जा करके इधर आपका जा करके मिल जाएगी किसमें? गंगा नदी में। क्लियर है, इसलिए इसको सोन गंगा अपवाह तंत्र कहते हैं। इज दैट क्लियर? ठीक, इतना पॉइंट याद रखिएगा सोन गंगा नदी अपवाह तंत्र में। ओके ओके, अच्छा, अब इसी में आप देखेंगे यहां पर ये है आपका क्या, ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र। ठीक है, ये जसपुर का कुछ हिस्सा है, इसी को इस पे यहां पे बना देते हैं, लिख लीजिएगा। ठीक, ये आपका ब्राह्मणी नदी
अपवाह तंत्र। क्लियर है बात? ठीक, जसपुर वाला जो एरिया है छत्तीसगढ़ के इस तरफ उत्तरी हिस्से में आपका पश्चिम दिशा की ओर, ओके, ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र जो 1.423 है ना हजार वर्ग किलोमीटर पे विस्तृत है, ठीक, जो कि कुल क्षेत्रफल का 1.03% है, ठीक है, प्रतिशत में, समझ गया बात? ये ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र हो गया, है ना। अब बात करते हैं नर्मदा नदी अपवाह तंत्र की। क्लियर? देखो, अच्छा, इसी ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र में एक चीज याद रखना कि इसमें आपका दो नदी याद रखिएगा, एक है शंख नदी, ठीक है, और एक है आपका कोयल नदी, ठीक है। शंख नदी जो है वो आपका छत्तीसगढ़ में पड़ेगा, कोयल नदी जो है वो झारखंड पड़ेगा। क्लियर है? तो ये दो नदी इस ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र में याद रखना, ठीक है। अब इसके बाद देखो, हम लोग बात करते हैं जो सबसे छोटा अपवाह तंत्र है, ठीक है, कौन सा? नर्मदा नदी अपवाह तंत्र। क्लियर है? तो देखिए, सबसे छोटा अपवाह तंत्र है छत्तीसगढ़ का, ये आपका 0.759 हजार वर्ग किलोमीटर है ना, और परसेंटेज वाइज देखेंगे तो 0.55% ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ छत्तीसगढ़, उसका 0.55% है सबसे छोटा अपवाह तंत्र, नर्मदा नदी अपवाह तंत्र। ठीक, इसमें छोटा सा है, ज्यादा कुछ नहीं है। देखिए, अब ये तो आप कोरिया हो गया, इधर आओगे तो ये गोरेला, पेंड्रा, मरवाही हो गया है ना, ये बिलासपुर है, ये आपका मुंगेली है, नीचे जाओगे तो ये आपका क्या है, कवर्धा। क्लियर? तो यही कवर्धा से अब देखो आपको कनेक्ट करना है ना, ये अमरकंटक क्या है आपका, ठीक, ये आपका अमरकंटक जो कि पड़ेगा किस में, एमपी में पड़ेगा, मध्य प्रदेश में। क्लियर है बात? ठीक है, ये आपका मध्य प्रदेश, अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलेगी और निकल करके ये नर्मदा नदी प्रवाहित होती है, ये अमरकंटक से निकल करके ये नर्मदा नदी है। क्लियर है बात? ठीक, तो इस नर्मदा नदी जो कि मध्य प्रदेश की सबसे मुख्य नदी है, ओके, ये नर्मदा नदी छत्तीसगढ़ में कहीं नहीं है, क्लियर, नहीं बह रही है, लेकिन इस नर्मदा नदी में मिलने वाली दो नदियां हैं, वो दोनों नदियां जो है वो आपका कहां से आती हैं, छत्तीसगढ़ के इस कवर्धा क्षेत्र से आती है। ये मैकाल पर्वत श्रेणी वाला हिस्सा है, इसमें दो अलग अलग यहाँ पे पहाड़ी ले लीजिए, ठीक है, और यहीं से दो नदी आप देखिए, एक आपका ये ताड़ा, ठीक है, और एक आपका ये बंजर। क्लियर है? बंजर नदी और ताड़ा नदी, ठीक है, जिसमें पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी में बंजर नदी आ जाएगा इस नर्मदा नदी अपवाह तंत्र में। क्लियर है बात? ठीक है, तो ये नर्मदा नदी जो कि मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में का हिस्सा है, मध्य प्रदेश की मुख्य नदी है नर्मदा नदी। क्लियर है? छत्तीसगढ़ से दो नदियां निकल कर जा रही है, एक ताड़ा नदी और एक बंजर नदी, ये इस नर्मदा नदी अपवाह तंत्र का हिस्सा है। क्लियर है इतनी बातें? ठीक है, तो देखिए, ये आपके पांचों नदी अपवाह तंत्र यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, यहां से जितने भी प्रश्न बनते हैं इसको आप करिए, इसका ऑब्जेक्टिव आप लोग सॉल्व करिएगा। लास्ट ईयर में सीजीपीएससी ने जितने भी एग्जाम्स पूछे हैं वो आपको मिल जाएंगे, मार्केट में बुक्स अवेलेबल रहती है, जैसे कि एक अरिहंत की बुक आती है ना, उसमें आपका सीजीपीएससी सॉल्व पेपर्स आपके मिल जाएंगे। तो नदी अपवाह तंत्र से क्या क्या क्वेश्चन किए गए हैं उसको आप अच्छे से याद कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव बना लीजिए, ये बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए। नोट्स बनाएं और इसी तरीके से मैप जो है वो अपने दिमाग में रखिए, तो बहुत आसानी से चीजें याद हो जाती हैं पढ़ंतुओं। क्लियर है? ठीक है, चलिए, तो ये आपका छत्तीसगढ़ का जियोग्राफी वाला जो पार्ट था उसमें ये नदी अपवाह तंत्र जो है आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक जितने भी आपके एग्जाम्स प्रतियोगी परीक्षाएं आ रही हैं उसमें आप तैयारी करते चलिए, ये सारे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आज आप लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, इजाजत दीजिए, थैंक यू सो मच।